मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत ही बढ़िया। अरे अगी भैया, जैक भैया ने तुम्हें बुलाया था। अरे ये जैक भैया कहाँ गए? अरे यार मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला था कि उन्हें लेने आ जाना बीच वाले पॉइंट पे। अरे यार ये भैया बीच पे करने क्या गए थे? अरे जो भी उन्होंने बुलाया तुम्हें, जाओ जल्दी उन्हें लेकर आओ। अरे यार और ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ। अरे ये क्या, सिंचन को लगता है फ्री फायर का भूत चढ़ गया, जब देखो फ्री फायर में लगा रहता है। चलो गाइस, अभी काम भी कुछ नहीं है तो भैया को ही लेकर आते हैं और साथ में यार बर्गर वगैरह भी लेते आएंगे। वैसे यार गाड़ी को भैया ने काफ़ी अच्छे से चमकाया, चलो फटाफट से चलते हैं। ओके पे स्टार्ट हो जा। Yes. अरे ये क्या, लगता है किसी ने पटाखा फोड़ दिया। चलो मैं देखता हूँ बाहर किसने पटाखा फोड़ा। वैसे भी दिवाली आने वाली है, पटाखे तो फोड़ते रहेंगे। लगता है किसी ने बम गोला फोड़ दिया। मैं भी देखूंगा कहाँ फूटा वो। अरे ये क्या, इतना बड़ा किसने बम फोड़ा कि यहाँ पे पूरा यही चटक गया। ओह नो, किसने हमारे घर के सामने बम फोड़ा, कहाँ गया वो? मुझे भी देखना था। अरे जिसने भी फोड़ा मुझे भी दे दो, मुझे भी एक बम फोड़ना है। अरे लगता है वो चले गए, उसके पास एक ही था। लेकिन ये किसकी शरारत थी, मेरा और घर का ये पर्स भी इसने चटका दिया। चलो यार, पता नहीं कौन था पत्रनाज बच्चा, भग गया। अरे बाप रे, ये मुन्ना कहाँ रह गया? अरे एक लॉलीपॉप दे के ये साइकिल मिल गई मुझे, लेकिन इस मुन्ना को छोड़ूंगा नहीं। एक तो चलते नहीं है साइकिल इसके ऊपर, और ऊपर से रोड ऐसा अजीब सा है। मुन्ना के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, मैंने उसको बोला था कि कॉल करके ये सिंचन को कि मेरे को मिलने के लिए भेज दियो, लेकिन ये मुन्ना आया नहीं। ओए कोई इज्जत नहीं मेरी लगता है घर के अंदर। ओए ऐसे ही रहना, किसी दिन छोड़ के भाग जाऊंगा। कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। मुन्ना को बोला तो फिर भी लेने नहीं आया। अभी ठीक है, रोड फिलहाल तो ठीक लग रहा है। अरे बाप रे बाप, पैर के एकदम वाट लग गई है जब से मैं चलाते हुए आ रहा हूँ बीच से। ओए बस ये साइकिल ही का सहारा था, लेकिन ये मुन्ना कहाँ गया? एक तो इतनी तगड़ी भूख लग रही मुझे, आज मुन्ना मेरे हाथों से लातों से बचने वाला नहीं है। आज इसको ऐसा धोऊंगा मैं। अबे हट जाए यहाँ से। एक तो दिमाग खराब है, ऊपर से गाड़ी लगा के रोक रहा गई। ओए इसकी तो हेडलाइट ही फोड़ दी मैंने, मज़ा ही आ गया फोड़ के। ओए मुझसे जो टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। चलो देखता हूँ ये मुन्ना कर क्या रहा, आज तो इसके जम के धुलाई मैंने कर देनी है। अबे ये क्या, यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है, जैसे कुछ जलने की। लगता है जैसे कि, अरे यार इसको साइकिल को अंदर ही ले चलता हूँ। अरे यार ये क्या जैक भैया, क्या हो गया ये बता मुझे। सिंचन नुबड़े, तूने बोला क्यों नहीं होगी को? अरे मैंने तो बोला था होगी भैया, तुम्हें लेने तो गए। ओए मुझे लेने गया तो वो कहाँ रह गया? और मैंने उसे रास्ते में भी नहीं देखा, बता जल्दी वो कहाँ छुप के बैठा है। अरे नहीं पप्पा कसम, वो तुम्हें लेने गए थे। ओए मुझे लेने गया तो कहाँ रह गया? आखिरकार ये मुन्ना मुझे लेने गया तो फिर रास्ते में भी नहीं दिखा। तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो जरूर। अरे नहीं यार जैक भैया, कैसी बात कर रहे हो? ओए तो मुन्ना गया कहाँ पे, और ये किस चीज़ की मुझे स्मेल आ रही बहुत तगड़ी, ऐसा लग रहा कुछ जला है। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया किसने, सिंचन इधर आई है किसने क्या? अरे यार ये जब होगी भैया जा रही थी तभी ऐसी आवाज आई थी जैसे बम फोड़ने की,
और जब मैं आगे देखा तो यहाँ पे ये लगा हुआ था। ओए अबे भैंस के डांग, इतना तगड़ा बम फोड़ा कि फर्श चटक गया। ओए इतना तगड़ा बम फोड़ा फर्श चटक गया जब मुन्ना गाड़ी से आ रहा था। ओए मुन्ना को कॉल करता हूँ। ये क्या मुन्ना का फोन से चफा रहा है। अरे यार लगता है होगी भैया किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। ओए ऐसी बात होगी तो मैं देख लियो, मुझे लगता है कि मुन्ना गया तो यहाँ से होगा ना, उसका कॉल लग रहा है स्विच ऑफ आ रहा है। और ये मुझे ये बता घर में जला क्या रखा है तूने, इतनी तेज स्मेल आ रही मुझे। अरे ये मैंने तो कुछ नहीं जलाया। ओए मुझे लगता है तुम लोगों ने कुछ जरूर कांड किया और ये मुन्ना छुपक गया है, आज तो मुन्ना पिटेगा मेरे हाथों से। ये बता तुमने क्या जलाया है, ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही मुझे। ओए जैसे झाड़ पत्ती जलने की बदबू आ रही है। अबे ये क्या नीचे पूरा गार्डन जैसे जला जला सा दिख रहा है मुझे। सेंट जैन इधर आ मेरे पास, तो कहाँ गया। अरे ये रहने वाले रुक जाओ जग भैया क्या हो गया। ओए तू पहले इधर आ मेरे पास आ, ये तूने गार्डन में क्या कर दिया है। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो फ्री फायर खेल रहा था। ओए तूने नहीं किया तो गार्डन में के घास में से इतना धुआं क्यों निकल रहा है। आखिरकार तूने कोई कांड जरूर कर रखा है यहाँ पे। अरे यार जग भी अब मैंने कुछ नहीं किया। ओए चल अभी मैं देखता हूँ, ये देख पूरा घास पूरा काला पड़ रखा है यहाँ पे, जैसे इसमें आग लगी पड़ी हो। ओए ये क्या चक्कर है, अरे बाप रे ये क्या है। ओ अबे ये क्या है, ये तो गाड़ी है। अरे मुन्ना ये क्या हो गया, मुन्ना उठ जा मुन्ना। ओ नो मुन्ना ये क्या हो गया, ओ नो मुन्ना मुन्ना। ओए मुन्ना उठ जा मुन्ना उठ जा। अरे क्या हो गया जग भी, रो क्यों रहे हो। अरे ये क्या, अरे नो नो ये क्या हो गया जैक भैया, ये तो होगी भैया है और इनकी गाड़ी फटके से गई। अरे और मुझे क्या पता क्या हो गया लेकिन मुन्ना चला गया। अरे रुको जैक भैया, होगी भैया का कुछ नहीं हो सकता, मैं पुलिस वाले अंकल को कॉल करता हूँ, वो हॉस्पिटल वाले अंकल को भी लेके आएंगे। ये क्या हो गया, खेल कर किसने किया ऐसे। अभी तो होगी भैया ठीक थे और ये क्या हो गया उनके साथ में। ओए जल्दी कर दे, ये मुन्ना लगता बचेगा नहीं। हेलो सर, वैसे इन पेशेंट में अभी सांसें बाकी है लेकिन कुछ भी हो सकता है, मामला बहुत ही गड़बड़ है। ये इनके चांस जीने मरने के 50-50 है क्योंकि बहुत ही ब्रूटली तरीके से जल चुके हैं, तो हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी और हम ऐसे सर्टी नहीं दे सकते कि बच भी सकते कि नहीं। अच्छा ठीक है तुम जल्दी जाओ। हाँ ठीक है मैं जल्दी से लेके जा रहा हूँ इन्हें। ओए मैं पुलिस वाले अंकल क्या हो गया है। चलो सर मैं जा रहा हूँ इन पेशेंट को लेके, वैसे बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ जिसने भी ऐसा किया है। अच्छा ठीक है तुम निकलो, मैं बात बाकी देखता हूँ। हट जा भी आगे से, गाड़ी हटा ले, इमरजेंसी केस है। और तुम दोनों रोना बंद करो यार, मेरी बात सुनो यार, बहुत मुझे पता है कि बहुत बुरा फील होता है यार किसी अपने को खो देना, लेकिन वो तो अभी जिंदा है यार, उसके चांस है जीने के, तो तुम अभी मेरी बात सुनोगे। आखिरकार ये कैसे हुआ ये बताओ मुझे। ओए मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जब घर पे आया तो मैंने ये देखा ये हो गया। अरे यार मैं तो फ्री फायर खेल रहा था। अरे ये क्या बच्चे है, फ्री फायर खेलना बंद कर दे, आखिरकार देखा ना कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई तुम्हारे घर पे और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे सर जी ये बताओ कि ये किसने किया है। अरे ये तो हमें पहले पता करना पड़ेगा ना कि एक्सीडेंट था कि किसी ने जानबूझ के किया ऐसा। अरे ये बताओ क्या पता चल रहा है। अरे रुको रुको यार, यहाँ पे हमारी रिसर्च टीम लगी पड़ी है, उन्हें कुछ मिलेगा तो हमें ज़रूर बताएंगे। और रिसर्च टीम क्या मिला तुम्हें, कुछ मिल रहा है क्या। अरे सर अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि इस गाड़ी में बॉम्ब वगैरह लगे थे। अरे उसने बताया कि इसमें बॉम्ब वगैरह, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें ऐसा सिचुएशन तो मैंने कभी पहले ऐसा केस नहीं देखा कि गाड़ी की हालत हुई हो। मुझे तो पक्का भरोसा कि किसी बॉम्ब से इस गाड़ी को इतना हार्म हो सकता है, मतलब कि डैमेज हो सकता है। अरे यार मुझे भी लगता है ये बॉम्ब से ही हो सकता है क्योंकि। हाँ क्या बोलना चाहते हो, बोलो क्या, क्योंकि क्या। अरे नहीं मैं ऐसे बोल रहा था क्योंकि फ्री फायर में भी गाड़ी ऐसे नहीं उड़ती है जब तक बम से उड़ाया ना जाए। अरे ये क्या समझा तुझे, गेम की बड़ी है। अरे चलो ठीक है वैसे बात तो इस छोटे ने बहुत ही सही की है, बम से फटने के बाद ही गाड़ी ऐसी इतनी ज़्यादा डैमेज हो सकती है, और मेरा यार 20 साल का एक्सपीरियंस भी कहता कि इस गाड़ी में जरूर बम लगा हुआ था। और ये बताओ सर क्या आपको क्या पता चल रहा है। अरे सर इसमें एक नहीं बहुत सारे बॉम लगने की संभावना है सर, अब तो कल ही पता चलेगा। ओए मुन्ना चले गया मुझे छोड़ के,
मैं आग लगा दूंगा दुनिया में। ओए कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। ओए ओए मुन्ना को कुछ नहीं होना चाहिए। मुन्ना बहुत ही सीरियस कंडीशन में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये कैसे हो गया। ओए आखिरकार चक्कर क्या है। अरे सिंजन रोना बंद कर, पुलिस वाले ने बोला था कि वो हमें बताएंगे कल। ओए आज मैं जा रहा हूँ पुलिस वाले से पूछने और उस गधेड़े ने मुझे कॉल भी नहीं किया। अरे यार जाओ भैया पता करो आखिरकार गाड़ी में क्या हुआ था। ओए मैं जा रहा हूँ गाड़ी में देखता हूँ आखिरकार ये मर्डर केस था कि क्या था। ये मर्डर ट्रायल था मुझे तो लगता है और ये पुलिस वाले को कॉल करता हूँ। अबे ये क्या इसका फोन स्विच ऑफ क्यों हो रहा है। वो नो ये पुलिस वाले ने तो मुझे बोला था कि कल आके रिपोर्ट ले जाना। ओके चलो अभी मैं जागे सिंचन तुम घर पे रहो, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में पता करके आता हूँ आखिरकार ये किसने किया और ये जानबूझ के किया हुआ था क्या। अरे यार जय भी सही कहा, जल्दी जा पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। ओए मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार किसने किया ये। ओए जिसने भी किया होगा ना तो वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। आज तो ऐसी धुलाई करूँगा मैं, ऐसी धुलाई करूँगा उसकी। अब एक तो गाड़ी भी नहीं है, मुझे जल्दी से साइकिल से ही जाना पड़ेगा। फटाफट से पहुँचता पुलिस स्टेशन पे। ओए एक इंसिडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी, कहीं गाड़ी में फ्यूल लीकेज तो नहीं हो गया। लेकिन पुलिस वालों ने तो बताया था कि ये गाड़ी इतनी डैमेज बम से हो सकती है। ओके चलो पुलिस स्टेशन जाके ही पता चलेगा। लेकिन अबे हट जा आगे से। अच्छा बेटा ये गाड़ी मुझे चाहिए, आप गाड़ी काली कर जल्दी। ओए बाहर निकल। अरे मेरी गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो। ओए तेरी गाड़ी अब पुलिस स्टेशन में मिल जाएगी, वहीं ले लियो जाके। ओए निकल यहाँ से। अरे मैं पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। ओए तो करते रहे, आखिरकार आया बड़ा पुलिस केस करने वाला। ओए अब तो मेरा दिमाग खराब पड़ा है बहुत तगड़ा वाला। आखिरकार मुन्ना के साथ ये किसने किया। ओए मैं छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। ओए हट जाओ सामने से, हट जाओ मेरे, मुझे फटाफट से पुलिस स्टेशन में पहुंचना है। आखिरकार केस कहां तक बढ़ा है और ये पुलिस वाले ने मेरे को कॉल करके भी कोई कुछ नहीं बताया कि आखिरकार चक्कर क्या हुआ था वहां पे। ओए कोई अपडेट नहीं दी अभी पुलिस वाले की, मुझे लगता है अच्छे से खिंचाई करनी पड़ेगी जब ये काम करेंगे। ओए रिश्वत खोर कहेंगे, हर जगह इनको पैसे चाहिए काम करने के लिए। ओए फटाफट से पहुंचता हूँ। अबे हट जाओ मेरे आगे से। अबे ये ले, आखिरकार बच गया नहीं तो गड्डी की तो। अबे ये नुबड़े कहाँ से लेके आ रहा है, तुझे दिखता नहीं कि हीरो आ रहा है, हट यहाँ से। अरे बड़ा ओए चल इसे मुझे पहुँचना है कैसे भी करके। आखिरकार ये पुलिस वाले ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। ओए उन्हें अभी तक पता नहीं चला, 24 आवर हो चुके हैं मुन्ना को एक्सीडेंट को हुए। आखिरकार गाड़ी फटी तो फटी कैसे, मुझे ये पता ही लगाना पड़ेगा। ओए फाइनली मैं पहुंचने वाला पुलिस स्टेशन पे। पापा जी मुन्ना को कुछ हो गया ना तो मैं लॉस सैंटोस में आग लगा दूंगा, आग। ओए हर जगह बम फोड़ दूंगा। ये पहुंच गया इस पुलिस स्टेशन में भी खासकर बम फोड़ूंगा। आखिरकार चक्कर क्या हुआ है, चलो चलते हैं देखते हैं। ये फंडे का अंडा। ओए आ ये क्या चक्कर है, यहाँ पे पुलिस वाले बहुत कम दिख रहे हैं आज तो। ओके और इतनी भीड़ क्यों लग रही है पुलिस स्टेशन के सामने। ओए ओए सर जी। हाँ बोलिए सर, क्या काम है आपको। अरे ये बताओ ये ओगी के नाम पे केस हुआ था कल, उसकी प्रोग्रेस क्या है। अरे सर ओगी के नाम पे केस था, उसकी प्रोग्रेस अभी टाइम लगेगा रिपोर्ट आने में, जब तक आप वेट कर लो। ओए ठीक है मैं अबे वेट कर रहा हूँ, कितना मिनट लगेगा। ओए 24 घंटे से तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आ रही है, ओए रिपोर्ट डालूंगा। अरे सर आपको पता कि आप कहाँ पर खड़े हैं पुलिस स्टेशन में, आप ऐसे बात नहीं कर सकते सर। ओए मेरा दिमाग गुस्सा आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जल्दी बुलाओ उस पुलिस इंस्पेक्टर को, कहाँ गया जो कि कल आया था। अच्छा मैं अभी यार वो बाहर है कहीं। ओए तो बाहर है, मैं इसको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, पुलिस स्टेशन को तबाह कर दूंगा। ओए जल्दी से लेके आओ उस पुलिस वाले को। अरे सर आप ऐसा मत करिए सर। ओए जल्दी बुला के लाओ नहीं तो मैं अपना माथा फोड़ लूंगा। ओए माथा फोड़ के खून निकाल लूंगा अपना खुद का। अरे सर ऐसा मत करिए सर। अच्छा ठीक है मैं आपके लिए उस पुलिस वाले को बुला के लेकर आता हूँ, मुझे नहीं पता बात बाकी सीन क्या है। ओए तो जल्दी बुला के ला, अभी तूने टकले बोला कि वो है नहीं यहाँ पे। अरे सर चलो ठीक है।
सर मैं कमीन सर। सर यार आपका एक केस था कल का, आप उस सिलसिले में एक बंदा है जो कि ग्रीन कलर का, वो यार आपको बहुत गुस्से में बुला रहा है और उसने यार पुलिस स्टेशन में तबाही मचा रखी है सर, आप आ जाना। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। ठीक है यार, ये पता नहीं कैसे यार सर है कि इनका केस भी आता तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब तुम थोड़ी देर वेट करो बस सर अभी आने वाले। और ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे रुको रुको कैप्टन मैं भी आता हूँ, एक केस था यार इसको तो मुझे सल्टाना पड़ेगा जल्दी। हाँ बोलो जैक, तुम्हारा नाम जैक है ना? ओए मेरा नाम जैक है, तू भूल भी गया टकले? अरे ये कैसे बात कर रहे तुम मेरे से, तुम मुझे जानते कि मैं कौन हूँ? अरे वो छोड़, ये बता मुझे क्या हुआ, केस का क्या चल रहा है सीन? किसी ने बम फोड़ा था, क्या करा था? अरे कोई बम नहीं था, कोई बम तो कुछ भी नहीं था। अरे तूने तो बोला था बम से फूट सकती वैसी गाड़ी। अरे नहीं कोई बम नहीं था उसमें, वो एक फ्यूल लीकेज की वजह से गाड़ी में आग लगी और वो गाड़ी फट गई, बस इतने आसान था। अरे ये क्या, फ्यूल लगने से गाड़ी फट सकती, वो भी इतनी खतरनाक तरीके से? अरे हाँ कभी काल होता है कि हाँ फट जाती है। और तुम टेंशन मत लो, अभी तुम जाओ घर पे सो जाओ, वैसे भी तुम्हारा भाई बच ही जाएगा। ओए मेरा भाई इमरजेंसी में एडमिट है, और मुझे ये बता आखिर कार तू इतना हकला क्यों रहा है? अरे तूने गाड़ी भी चोरी करके लेकर आया, तेरे जो गाड़ी चोरी करके लाया उसने केस कर दिया तेरे ऊपर, अभी तू यहाँ से भागेगा नहीं तो मैं तुझे जेल के अंदर डाल दूंगा। अरे ये क्या, मैं अपने केस के सिलसिले में आया था, ये तो टकला मेरे ऊपर ही केस लगा रहा है। अबे एक और बार टकला बोला ना तो जेल के अंदर डाल दूंगा, भागे यहाँ से बिल्ले। हाँ ठीक है मैं समझ गया, आज कल का जो जमाना ये चल रहा है। बाप रे बाप ये क्या चक्कर हो गया, पहले ये टकला बोल रहा था कि वो गाड़ी बॉम्ब से ही फूट सकती है, अब तो इसने पूरी स्टेटमेंट ही बदल दी, अब बोल रहा कि वो फ्यूल लीकेज से गाड़ी फट गई। ये टकले में कुछ तो लगता है दाल में काला है, ये टकला मुझे लग रहा ठीक नहीं है। सीमोन ये बता मुझे। हाँ बोलोगी क्या हो गया? अरे मैं होगी नहीं, मैं चेक बोल रहा हूँ। हाँ क्या हो गया, वैसे गाड़ी तुमने सर्विस कराई थी ठीक चली ना? अरे उसी सिलसिले में बात कर रही, अभी मैंने गाड़ी सर्विस कराई और फ्यूल लीकेज कैसे हो सकता है? अरे क्या बात करे, कोई फ्यूल लीकेज नहीं होगा, मैंने टंकी और पूरी प्रॉपर साफ करी थी। ओए मतलब कि टंकी साफ करी थी, फ्यूल लीकेज नहीं होगा? तो ये टकला मेरे से झूठ बोल रहा है, इसका मतलब कि ये टकला जरूर मेरे से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अबे क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अरे सर पीछे आइए सर, क्या हो गया सर इतना गुस्से में क्यों? अरे ये अंदर एक टकला है ना, उसने मेरा कल केस सॉल्व नहीं करा और उसने स्टेटमेंट बदल दी। अच्छा सर ठीक है, आप इतना नर्वस क्यों रहे सर? मुझे पता है कि आपका केस क्या है, वैसे वो जो अंदर इंस्पेक्टर है बहुत ही ज़्यादा करप्टेड है, और यार आप लोग पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ। अरे तो मुझे दो ना। अरे सर फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, अपन को चाहिए मोटा एक खोखा चाहिए होगा तभी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ इस केस के सिलसिले में। हाँ मुझे चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, मुझे चाहिए आखिरकार क्या हुआ था। ओए कुछ भी करके मुझे एक खोखा तो लाना ही पड़ेगा, चलो यहाँ से निकलता हूँ। और इस बंदे ने मुझे बोला कि वहाँ पे मिलना है, चलो फटाफट से। फाइनली मैंने पैसे का बंदोबस्त तो कर लिया है, और उस पुलिस वाले ने मुझे कहाँ पे बुलाया था, कोई फैक्ट्री कर गए थे। ओए उसका क्या नाम था, ऐसे कुछ था डारवेल करके। अरे यही है क्या, अरे डारने ले तो शायद यही वो फैक्ट्री जिस पे मुझे उसने बुलाया था। आओ मेरे को वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है यहाँ पे, आखिरकार मुन्ना के केस में क्या हो रहा है और ये पुलिस वाले ने पूरी स्टेटमेंट क्यों गलत से बात कर दी। अरे सर आ गए आप यार, यहाँ पे मेरी बात सुनिए, पैसे लेकर आए हो ना सर? अरे पैसे की टेंशन मत लो, मैं दो खोखे लेकर आ गया, ये लो पकड़ो। हाँ ठीक है, वैसे उस दिन मैं आया था तुम्हारी गाड़ी को इंक्वायरी करने के लिए, और हमने इंक्वायरी में पता करा कि वो गाड़ी बॉम्ब से फूटी थी, वो भी एक बॉम्ब नहीं, उसमें बहुत सारे बॉम्ब लगे थे, और इस बॉम्ब को एक्टिवेट किया था कुछ ही पास की लोकेशन से, वो एक्टिवेट होता है एक रिमोट के जरिए, तो वो जो किलर था वो भी तुम्हारे घर के पास ही था। अरे ये क्या, मुन्ना को किसी ने उड़ा दिया था बॉम्ब से? हाँ वो बॉम्ब सही से उड़ा था, और इस बात को वो बड़े लोग छुपा रहे क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगता किसी बड़े लोगों का हाथ है, और उसने सबको पैसे खिला दिए। ओए ठीक है समझ गया, आजकल तो यही जमाना चल रहा है,
आखिरकार मुन्ना को जिसने भी बम सोड़ाया वो इतना बड़ा कि उसने सारे पुलिस स्टेशन वालों को पैसे खिला दिए और पुलिस वाले की स्टेटमेंट भी बदलवा दे। ओए मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आखिरकार इतना अमीर कौन है? ओए आखिरकार इतना अमीर कौन है कि पुलिस वालों को भी पैसे खिला सकता है? एक तो माइकल अमीर है, लेकिन माइकल से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। ओए वो मुन्ना को बम से तो नहीं उड़ा सकते, इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन आखिरकार चक्कर क्या है? मुझे अब सिंचन और बॉब से पूछना पड़ेगा चले से, आखिर का चक्कर क्या हुआ है? ओए सिंचन, अरे क्या हो गया जैक भैया, क्या पता चला? ओए मुझे पता चल चुका है, मुन्ना को किसी ने जानबूझ के बम छोड़ा था। अरे क्या बात कर रही हूँ, ऐसे कौन कर सकता है? ओए ये बॉब को आने दे, मैंने इसको बोला था कॉल करके जल्दी आने के लिए। अरे बॉब नुबड़ा कब तक आएगा? अरे यार ये क्या हो गया, ये तो कोई किलर है, लेकिन हम उस किलर को नहीं छोड़ेंगे। ओए किलर तो है, लेकिन ये बॉब नुबड़ा कहाँ रह चुका, टाइम भी हो गया उसके आने का। ओए आओ मैं आ गया, ये क्या हो गया होगी के साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए पहले तू इधर आ नुबड़े कह के, इतनी देर में क्या करने आया है? ओए तू पिटेगा पहले मेरे हाथों से। आओ क्या हो गया, होगी सही है कि नहीं? ओए ओगी की तो छोड़, मुझे ये बता कि कुछ ऐसा सीन हुआ था कि कुछ दिनों में? ओए क्योंकि ओगी तेरे साथ ज़्यादा घूम रहा था। आओ ठीक है, हम मेरे को याद तो नहीं आ रहा कुछ भी। ओए दिमाग पे चोर डाल, याद कर कुछ पुरानी बातें याद कर। ओए पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ था, ओए तुम लोग किसी मिले थे क्या? आओ मेरे को याद करने दो, हम लोग पार्टी में गए थे और घूमने गए थे। ओए तो जोर जोर डाल, क्या याद कर रहा है, जल्द याद कर। आओ याद आ गया, उस दिन मैं गया था ओगी को लेके। बाप भैया ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे यार? आओ जिसने हम मैंने जिसको उधार दिया था वो पैसा इस बंदे ने लिया, उसका घर यही है। अरे यार ये क्या, बाप भैया मैंने तुम्हें उधार पैसे दिए और तुमने किसी और को दे दिए, ये क्या चक्कर है? आओ वो मेरा दोस्त है, उसको बहुत अर्जेंट थी लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिए। आज तो मैं उससे पैसे लेकर आऊँगा। यार वो लड़का, तू यही रुकोगी, मैं अभी आता हूँ पैसे लेके। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तुम लेकर आओ पैसे। आओ ठीक है। अरे ये बता मुझे टॉमी, मैं आ गया तेरे से पैसे लेने के लिए। अबे भाई कौन से पैसे लेने आया है? ओए तेरे को मैंने पैसे दिए था, आओ मैंने तुझे $1,000 दिए थे, भूल गया क्या? अभी दिमाग पे जोर डाल, याद कर जल्दी, आज तो तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, जल्दी निकाल पैसे। अबे भाई कौन से पैसे, मैं कोई पैसे वैसे नहीं जानता। आओ ये क्या, दोस्त के साथ गद्दारी, आज तो तू बचेगा नहीं, जल्दी दे पैसे नहीं तो तू तो जाएगा। अबे भाई कैसी बात कर रहा है भाई, तू पता है कि कौन सी किसकी प्रॉपर्टी पे आके खड़े होकर धमकी दे रहा है? अबे ये मेरी प्रॉपर्टी है, अभी फालतू बोले ना तो छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। आओ धमकी मुझे देता, मेरे ही पैसे लेके मेरे पैसे खा ले, आओ मुझे छोड़ दे, अरे मुझे मारना बंद कर। अरे ये क्या बे, जो भी ये नल्ले हट यहाँ से, मेरे दोस्त को मारेगा, ये ले। ए, एक तो पैसे नहीं देता, ऊपर से दादागिरी दिखाता है, ये ले। आओ आगे मार इसको, छोड़ियो मत, आगे और मार। ए, ये ले, मेरे दोस्त को मारेगा, ए, और मार खाएगा, ये ले। आओ आगे छोड़ दे नहीं तो मर जाएगा, आगे रहने दे। अरे ए, इसकी हिम्मत कैसे बा भैया तुम्हें हाथ लगाने की, एक तो ये गधा पैसे नहीं दे रहा है और ऊपर से दादागिरी दिखाता है। अबे भाई आज तुम्हारा टाइम है, तुम दोनों मुझे मार दो, लेकिन मेरा भी टाइम जब आएगा तो मैं देख लूंगा तुम लोगों को भी। आगे तेरे को क्या हो गया, तूने इतने बुरी तरीके से उसको क्यों दौड़ डाला, इतना गुस्सा क्यों? अरे यार मेरा कुछ दिनों से दिमाग वैसे ही खराब पड़ा है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए रे बाबा। अबे भाई मैं ट्रेवर बोल रहा हूँ भाई, पार्टी करनी थी भूल गया क्या? यार पार्टी यार रख तू फोन पहले। आओ आगे आओ, बस इतना ही हुआ था, उसने टॉमी की जो हालत करी थी ना, फिर उसको हॉस्पिटल में भी हम ले गए थे। ओए इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे नहीं बताया तूने। आओ इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है, तो छोटी मोटी बात थी, लेकिन टॉमी का जरूर हाथ हो सकता है, क्योंकि ओगी ने उसको उस दिन गुस्से में बहुत मारा था, उसके बाद टॉमी ने धमकी भी दे दी उसे। ओए ये जो भी टॉमी है स्वामी है, मुझे उसके घर पे ले चल, आज तो मैं उसको एनकाउंटर करके रहूंगा।
आओ ठीक है। वैसे टॉमी अपने गांव में चले गया है। ओए गांव में चले गया है, क्या बात कर रहे हो? आओ मैंने सुना, फोन करके मैंने पूछा तो। अबे ये टॉमी का घर कहाँ पे है? आओ वो अपने होम टाउन घर पे चले गया है, अपने पापा के पास। ओए चल ठीक है। अरे बाप रे यहाँ तो ट्रेवर का भी घर पीछे निकल गया, मुझे लगता वो कहाँ पे रहता था, इतना दूर है उसका घर। आओ यही कहीं उसका खुद का एक फार्म हाउस है, मुझे लगता है वो खेती करने लग गया है। आओ ओए ए, पक्का इसी ने मुन्ना को गाड़ी में बम लगाया था और ये डर के माले यहाँ पे छुपने आ गया। आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओए अब ये बचेगा नहीं, मैं इसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अरे क्या कह रही हूँ जेक भी, ये पागल हो गए हो क्या? ओए मेरे सर पे खून सवार है, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आओ रुक ले होगी, रुक ले जैक। ओए तुझे होगी की बड़ी याद आ रही है, मुझे भी याद आ रही है। ओए बॉब ये बताइए कौन है? अरे बेटा तुम लोगों क्या काम है? अरे बेटा ये पिस्टल क्यों? ओए ये बताओ टॉमी कहाँ पर है अंकल? अरे बेटा टॉमी ने कोई काम नहीं किया सर। ये ले। आओ मर को मारो, गो के मार इसको। ओए तो बार बार आगे बोल के हाथ लाता मुझे। ओए आगे के खाते ये ले। अबे मोटे मेरे को गोली मारना बंद कर दे, इसके तो मैंने बैंड बजा दी यहाँ पे। अरे बेटा आओ वो अंकल तो नो सेंट थे, उनको क्यों मारा तूने? अरे ये क्या सबकी ढक चुकी कर रहा जैक? ओए ये लोग आएंगे चल मेरे को फिनिश नहीं कर रहा पूरा, लेकिन ये बुड्ढे लोग मेरे पर गोली तो चला रहे हैं। ये ले ओए, ये ले इसके पैर पे पड़ी है गोली। आखिरकार ये चक्कर क्या है? आओ गांव वाले लोग हमेशा बंदूक अपने साथ रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं इसीलिए। अरे भाई ये क्या कर दिया भाई? ओ नो पापा, पापा ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? अरे बेटा मैं ठीक हूँ। अरे ये लोग कौन है? अरे पापा ये क्या हो गया यार? ओ नो आओ टॉमी यहाँ क्या कर रहा है ये बता, आगे का तूने क्यों मारा? अबे भाई कौन होगी, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बदल गया, मैं तो अब सुधर गया वैसे भी। आओ क्या बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है, कल तू कहाँ था ये बता। अबे भाई मेरे को आए हुए यहाँ पे 3 दिन हो गए, मैं तो यहाँ पे फार्मिंग करने लग गया हूँ। ओए झूठ बोलता है, मुझे पता है तू नहीं मारा मुन्ना को। अबे भाई मैं क्यों मारूंगा, मैं तो सीधा हो गया अब। ओए ठीक है तेरे पापा से पूछ लेता हूँ। अंकल कल टॉमी तुम्हारे साथ था क्या? अरे हाँ टॉमी तो मेरे साथ कल पूरे दिन था, हम लोग पानी दे रहे थे खेत में। अरे ये क्या, अच्छा अंकल सॉरी सॉरी, आप बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से, और इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। टॉमी जा अंकल को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जा, वैसे आगे से अंकल ने मेरे ऊपर गोली मारी तभी मैंने अंकल के ऊपर चला दी। अरे हाँ पता है मेरे पापा ऐसे ही करते हैं, उनको लगता है कोई बाहर का रहा है तो वो दुश्मन है, वो ऐसे ही करते, उन्होंने तुम्हारे हाथ में गन देख के थोड़ा नर्वस होके लगता है तुम्हारे पर गोली चला दी होगी। ओए कोई बात नहीं, लेकिन टॉमी मुझे ये बता तुझे कुछ पता है क्या? आओ टॉमी जल्दी बता दे कुछ और जानता है तो। अबे भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो यहाँ से अकेला जाने दो। ओए ठीक है हम जा रहे हैं। बाप मुझे ये बता अब क्या करना है? आओ मुझे लगता है कि ट्रेवर को कुछ पता जरूर होगा क्योंकि उस दिन ट्रेवर का कॉल आया था। ओए ट्रेवर का कॉल आया था, फिर कहाँ गया था मुन्ना तेरे से बात? आओ फिर उसके बाद मुन्ना ट्रेवर के घर चले गया था। ओए ठीक है टॉमी जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। ओए आ चलते हैं, ट्रेवर का घर यहाँ से पास में ही है वैसे भी। ओए आओ सही क्या, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी गलती हो गई, टॉमी की तो उतनी गलती नहीं थी। ओए चल कोई नहीं, टॉमी के पप्पा ने गोली आगे से चला दी थी तो मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में भी बंदूक थी। अच्छा वो मैंने पट्टे से हेडशॉट नहीं मारा, लेग पे खाली गोली मारी। आओ चलो ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है, आखिरकार बॉम्ब किसने लगाया होगा? ओए मुझे इतना पता है कि जिसने भी बॉम्ब लगाया बहुत पैसे वाला है। आओ लेकिन टॉमी तो कहीं से नहीं बॉम्ब हुआ, और ये ट्रेवर भी फटीचर है। ओए ये बात भी सही कही, ट्रेवर के पास भी इतना पैसा नहीं कि वो पुलिस वाले को पैसा खिला के उनका मुंह बंद करा सके, लेकिन फिर भी पता करते हैं ट्रेवर को, शायद कुछ पता हो।
आओ सही का शायद हो सकता है कि ड्राइवर को कुछ ना कुछ पता हो। चलो जल्दी चलते हैं। ओए ठीक है, वैसे ही ये तो धीरे धीरे और भी ज्यादा मिस्ट्री बनते जा रहा है। आखिरकार मुन्ना की गाड़ी में बम किसने और क्यों लगाया, मुझे तो रीजन भी समझ नहीं आ रहा है। आओ सही का जल्दी पता करके आओ। ओए ठीक है, तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं पूछ के आता हूँ ड्राइवर से। ओए ड्राइवर ये बता, मुन्ना की गाड़ी में बम तूने क्यों लगाया? बे भाई क्या बोल रहा है भाई, तू पागल हो गया क्या? ओए ये बता क्या हो गया तुझे, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? बे तू कैसे इंजाम लगा रहा है? मैंने सुना कि होगी कि गाड़ी में किसी ने बम लगा दिया और तू डायरेक्टली आगे मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकता है? मैं तो तेरा सबसे करीबी दोस्त हूँ ना। ओए ठीक है तेरे को कुछ पता है तो बता जल्दी। अबे भाई मेरे को पता है यार, उस दिन। ओए किस दिन? अबे भाई मैं ओगी मेरे घर पे आया था, कुछ पार्टी वार्टी के लिए बोल रहा था कि उसका दिमाग काफी खराब है। फिर यार ओए मुन्ना को क्या हुआ था जल्दी बता। अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ ना, उस शाम को यार मुन्ना मेरे घर पे आया था और वो फिर मुझे वहाँ पे। अबे भाई ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या हो गया होगी भाई, इतना ज़्यादा उदास क्यों है और यहाँ पे क्या कर रहा है? हे क्या करूँ यार ट्रेवर यार, मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस चुका हूँ, मेरे सर पे इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, अभी मेरे को समझ नहीं रहा क्या करूँ यार। अबे भाई बताना आखिरकार क्या हुआ? मैं पूरी बात तो नहीं बता सकता लेकिन ऐसा कुछ है कि यार मैं क्या ही बोलूं यार, मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया। मुझे यार लेस्टर ने बहुत ही बुरी डील दे दी है, बस इतना ही बता सकता हूँ यार, अभी फिलहाल के लिए इतना ठीक है। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ऐसे इस डील को कैसे सॉल्व करूँ यार, पता नहीं कहाँ से यार ये लेस्टर ने मेरे सर पे दे मारी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ अंदर से, मेरे दिमाग को एकदम फटा जा रहा है। अबे भाई तो मुझे बताना क्या हो गया, हम मिलके सॉल्व कर लेंगे उसको। अरे यार वो तुम भी नहीं कर सकते। चलो थोड़ा चिली कर लेता हूँ यहाँ पे। ओए मुन्ना आखिरकार परेशान था? अबे हाँ भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान था और मुझे लगा तुम लोगों को तो पता होगा लेकिन तुम लोगों को भी नहीं बताया उसने। ओए ठीक है ओए पता चला लेस्टर का कोई मसला था। ओए बाप मुझे पता चल गया इसमें लेस्टर का हाथ है। आओ क्या लेस्टर का हाथ है इसमें? आओ लगता है लेस्टर ने कुछ ना कुछ किया होगा, वो बहुत ही ज्यादा का मतलबी बंदा है। ओए मतलबी तो है लेकिन उसकी मुन्ना से क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे तो अब मुन्ना लेस्टर के घर ही जाके पता चल जाएगा आखिरकार क्या चक्कर था। ओए लेस्टर का घर कौन सा है? आओ पीछे वाला ये पीछे कर ये लेस्टर का घर है, रो गड्डी। ओए ठीक है मैं देख के आता हूँ ये लेस्टर का बच्चा कहाँ छुपा पड़ा है। ओए इसको छोड़ूंगा नहीं। लेस्टर कहाँ बे तू? अबे लेस्टर लगता है पीछे है कहीं। अबे लेस्टर कहाँ बे तू नुबड़े, आज तो तू बच्चे गरीब मेरे हाथों से। अबे ये क्या यहाँ पे ये पार्टी कर रहा है? अबे तेरी पार्टी शार्टी चल रही है। अबे क्या हो गया भाई जैक, पार्टी पे बियर लेगा क्या? अबे तेरे को बियर तो मैं देता हूँ, और तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया और किस खुशी में पार्टी कर रहा है तू? अबे भाई क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों है तू? अबे भाई 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 क्यों मुझे गोली मार दी भाई? अबे भाई क्यों मार रहा मुझे? ओए ये बता तू लास्ट टाइम मुन्ना से क्यों और कैसे मिला था और किस लिए मिला था, मुझे सारी डिटेल चाहिए, और मुन्ना को तूने क्यों मारा? अबे ठीक है भाई मैं बता रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है मुझे गोली मत मारिए भाई, बता रहा हूँ यार मैं चाहता नहीं था। अबे तेरे पीछे देख। ओए ये कौन मुझे गोली मार रहा पीछे से? अबे ये ले बचेगा नहीं तू भी। ये लोग कौन थे जल्दी बता मुझे। अरे बता रहा हूँ इधर पीछे यार। ओए दो ही लोग थे खाली बस, चल ठीक है इनको तो ठिकाने लगा दिया। ओए लेस्टर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो जल्दी से फटाफट से बता दे जो भी तुझे पता है। अबे हाँ मैं बता रहा हूँ यार मैं नहीं चाहता था कि यार ऐसा कुछ मसला हो लेकिन यार इन लोगों ने मुझे कैद करके घर में रख रखा था और मुझे पैसे भी दे दिए थे ताकि मैं और भी कुछ किसी को ना बताऊँ। ओए क्या पता है तेरे को? हाँ मैं बता रहा हूँ यार, मेरा एक क्लाइंट है जिसका नाम है किंग पिन और वो बहुत ही बड़ा माफिया है यार।
उस दिन यार ये कौन घर की रिंग लगातार बजाया जा रहा है? अबे कौन है? आ रहा हूँ। ये भैया और सिंचन बाहर चले गए, और यार ये दरवाजा भी कोई खोलने वाला नहीं है। दरवाजा तो वैसे खुला ही पड़ा रहता अपना, लेकिन क्या हो गया? अबे भाई लेस्टर क्या हो गया? ए क्या काम है लेस्टर? और ये इतने सारे लोग मेरे घर के आगे क्या कर रहे हैं? अबे भाई तेरे लिए बहुत ही बढ़िया डील आई है। अरे कौन सी डील आई है? वैसे यहाँ शादी हो रही क्या? किसी की बारात आई है? ऐसे लग रहा देख के इतने सारे लोग सूट बूट में। अबे भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, इधर तू मेरी बात सुन भाई। ये जो मेरे तेरे सामने मोटा सा आदमी खड़ा है ना, वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, और उसके पास बहुत सारे पैसे भी है। उसको तेरा घर खरीदने का है। अरे मेरा घर खरीदने का? मुझे लेकिन नहीं बेचने का। अबे भाई डील तो सुन ले, वो तेरे घर की जगह पे बहुत ही बड़ा होटल बनाना चाहते हैं, और तुझे इस जमीन के डबल रेट मिल जाएंगे। हे मैं नहीं बेचूंगा इस घर को किसी भी हाल में। ये मेरी फैमिली है और ये घर मेरी याद है, तो मैं इसे डबल दो या ट्रिपल दो या चौबल दो मैं नहीं बेचने वाला, सुन लिया ना? ए लेस्टर। अबे भाई बात मान ले, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। अरे कैसे फंस सकता हूँ? हाँ मेरे को नहीं बेचना, ये मेरा घर है। हाँ बात समझ नहीं आती क्या? ये अपने क्लाइंट को यहाँ से लेके जाओ। अरे भाई मेरी बात तो मान ले, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। बोलो क्या हो रहा है? क्या बात चल रही तुम लोगों के बीच में? मुझे भी सुननी है। आओ बिल्ली, तेरे को मैं डबल पैसे देता हूँ, और फटाफट से कल तक ये घर खाली कर दे। अरे भाई रुक जाओ किंग पिन सर, मैं बात करता हूँ। हे मुझे कोई घर खाली नहीं करना है, ये मेरा घर है तो मैं खाली क्यों करूंगा? तुम कौन होते हो मेरा घर खाली कराने वाले? हे मैं ये घर किसी भी हाल में खाली नहीं करूंगा, और निकल जाओ मेरे घर से यहाँ से। अरे भाई होगी गुस्सा मत कर। अरे नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार दूंगा। यहाँ से हट लो, यहाँ से फुट लो। अरे भाई मान जा। अबे ये क्या? अरे सर बोलो, अभी इसी का खेल खत्म कर दो क्या? बोलो सर एक बार बोलो, इसने आपसे बदतमीजी करी है, मैं आपके सारे बेच का गर्दन उड़ा दूंगा। अरे मैं नहीं चाहता यहाँ पे खून खराबा, आज मेरा दिन अच्छा है। ठीक है जाओ, जॉन पीछे तुम खड़े जाओ। अरे भाई सर 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 बीच में गुस्सा मत करो, मैं इसको समझा दूंगा, ये मेरा दोस्त है, जरूर मान जाएगा, डील पक्की है सर। हाँ ठीक है, और मेरी बात को जो मना करता है ना, उसका अंजाम तो तुम जानते हो ना, क्या होता लेस्टर? अरे भाई मैं जानता हूँ, मैं समझा दूंगा। अरे ये क्या चल रहा है, मैं नहीं करूंगा ऐसी कोई भी डील। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ पक्का पक्का सर, डील पक्की होती है। अरे मैंने कितनी बार बताया था, लेकिन योगी माना नहीं। अब मुझे जाके किंग पिन को मनाना पड़ेगा कि योगी अपना घर नहीं बेच रहा है। कैसे भी करके मुझे किंग पिन को मनाना पड़ेगा, नहीं तो वो योगी के साथ बहुत बुरा हाल कर देंगे। ओह नो, वो भी मेरा दोस्त है, और मैं नहीं चाहता कि उसे भी कुछ हो। चलो यार मुझे जल्दी से किंग पिन के पास चलना चाहिए। बॉस है घर पे? हाँ हाँ बॉस अंदर है। हाँ ठीक है। ओह अरे यार आज तो मेरी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, किंग पिन गुस्सा होंगे, कहीं मुझे ही ना उड़ा दे कहीं। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि उनको मैं दूसरी जगह दे दूँ जहाँ पे होटल बना सकें। चलो चलता हूँ। अरे भाई मैं आ गया। अरे किंग पिन सर आप कहाँ हो? किंग पिन सर कहाँ हो? अबे एक चिरकोट पीछे देख, चिरकोट पीछे। अरे सर कहाँ पीछे देखूँ, कहाँ पे हो सर? अरे ये क्या, यहाँ पे इतना बड़ा टीवी लगा दिया, दरवाजा पूरा का पूरा बंद कर दिया भाई, ये क्या कर रखा है इन लोगों ने? अरे किंग पिन सर कहाँ गए आप? अबे उल्लू के ढक्कन इधर देख, मैं इधर हूँ। अरे सर, अरे ये बता डील पक्की हो गई ना, हम कब उस घर को तोड़े? अरे सर रुकिए रुकिए सर, वो घर तो कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार है। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लोकेशन लेके आया हूँ, जहाँ पे बहुत बढ़िया घर बन मतलब कि होटल बन सकता है। होटल तो उसी जगह पे बनेगा, और लेस्टर उसको घर खाली करवाने के लिए बोल, नहीं तो आज के बाद वो कभी तुझे दिखेगा भी नहीं। अरे भाई सर मैं आपके लिए दूसरी जगह लेकर आता हूँ ना, जो कि यार बहुत बढ़िया रहेगी होटल के लिए। अबे तूने क्या मुझे मजाक समझ रखा है क्या? जिस पे मैं एक बार नजर डाल देता हूँ तो वो जगह मैं खरीद लेता हूँ, और वो जगह मुझे चाहिए तो चाहिए बस। अरे सर आप तो बहुत ज्यादा जिद्दी कर रहे हो सर, ऐसा मत करो। अबे क्या बोल रहे तू?
तुझे पता है कि तू किसके घर पे खड़ा है? मैं किंग पिन हूँ। अरे सर, उसका भाई तो और भी ज्यादा पागल है। अबे मेरे को धमकी देता है। अब तो तू भी जाएगा और साथ में तेरा आगे भी चले। अरे सर, मुझे मत मारो सर, मुझे जाने दो सर। वैसे उसका भाई बहुत ही ज्यादा पागल सनकी है। अरे सर जाने दो। अबे उसका भाई पागल है तो मैं भी बहुत डेंजर हूँ अपने। अबे तुझे पता कि मैं कौन हूँ? मैं सारी गैंगस्टर का किंग हूँ। किंग, मुझे बोलते किंग पिन। अरे भाई भागता हूँ यहाँ से, इससे पहले किंग पिन मुझे मार दे। यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे जल्दी से। भाग लेता हूँ, नहीं तो ये किंग पिन तो मुझे मार देगा। मैंने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन किंग पिन भी नहीं समझा, ना ही योगी समझा। अब मैं क्या करूँ? मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। वैसे मेरी भी जान को खतरा है। जॉन, तुम्हें पता है ना क्या करना है? सर मुझे बिल्कुल पता कि मुझे क्या करना है। सर बोलिए बस। आज जॉन उस सोगी के बच्चे को उड़ा दो। वो बचना नहीं चाहिए, उसके चीथड़े चीथड़े उड़ा दो। उसको तो पता चलना चाहिए ना हमसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। ओए बाप रे बाप, ये किंग पिन निकला है। आज तो किंग पिन को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लेस्टर ने सारी बात बता दी है और किंग पिन का मुझे ठिकाना भी पता चल चुका है। गाइस, आज तो मैं किंग पिन को छोड़ूंगा नहीं। और साथ में जॉन के बच्चे ने बॉम्ब लगाया था ना, आज ये जॉन नाम का जो भी है वो भी नहीं बचेगा। ओए एक एक को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मुन्ना की गाड़ी में बॉम्ब लगाते हैं, इनके तो घर में ही बॉम्ब लगाऊंगा। ओए किंग पिन यही रहता है क्या? अभी कैसे बोल रहा है? सर बोल सर। ओए सर तो मैं बोलूंगा, ये ले तो भी खा गोली। ओए लेस्टर ने बताया था आज मीटिंग चल रही है दो गैंग की। मुझे लगता है मुझे ये फायदा मिल जाएगा और वो गैंग आपस में फाइट करके मर सकती है, जिससे मेरे को काफी मदद मिलेगी। ओए सही समझा मैंने, यहाँ पे गैंग वालों ने आपस में फाइट करके एक दूसरे को मार दिया है। चलो ठीक है, अब मुझे भी लगे हाथ, जो बचे उनको मैं मारूंगा। ओए किंग पिन बचेगा नहीं। लेस्टर ने मुझे एक और चीज बताई थी, किंग पिन के पास खुद का एक टैंक है। बाप रे बाप, इसीलिए उसको किंग पिन बोला जाता है क्योंकि उसके पास एक टैंक है। ओए आज तक किसी गैंगस्टर के पास टैंक नहीं है, लेकिन ऐसा ही है गैंगस्टर जिसके पास टैंक है। लेकिन जो भी हो, मैं उसको टैंक को भी फोड़ दूंगा। ओए ये ले, मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। अबे तू कौन से गैंग का आदमी है? अबे ये ले। ओए मैं गैंग नहीं हूँ, मैं वन मैन सोल्जर हूँ। ओए वन मैन आर्मी, आ गया मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओए ये किंग पिन मोटा सा है, लंबा सा, ऐसा कुछ लेस्टर ने बताया था मुझे। मुझे लगता है वहाँ पे कोई बंदा दिख रहा है मोटा सा, और ये जॉन हमेशा लंबे लंबे बाल रखता है जिसने मुन्ना को मारा है। ओए आज तो मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जॉन किंग पिन का लेफ्ट हैंड है। ओ भैया रे एक और, मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे, अरे बाप रे ये क्या, ये तो सही में टैंक खड़ा है। लेकिन जो भी हो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये जॉन का बच्चा। अरे बाप रे उसके हाथ में मशीन गन है। ओ नो, उसके पास तो मशीन गन है, लगता है इसको पता। अरे अरे जैसे मैंने तेरे भाई को बम छुड़ाया था, अब तू भी मरेगा बिल्ले। ओए मेरे भाई को मरा तूने, अब मैं तुझे बता दूं, मुन्ना भी मरा नहीं है, लेकिन तू आज जरूर मरेगा। मुझे मार पाएगा तेरी इतनी औकात नहीं। तुझे पता कि मैं कौन हूँ? मैं जॉन हूँ। अब तक मैंने 100 मर्डर कर दिए हैं। ओए 100 में मुन्ना की काउंटिंग मत करिए, मुन्ना भी सरवाइव कर रहा है। ओए तेरी सेंचुरी पूरी नहीं हुई है, आज मैं तेरी सेंचुरी तेरे से ही पूरी करूंगा। ओए तेरी खोपड़ी खोल के। ये क्या, इसको जो शॉट गन से भी कुछ नहीं हुआ, लगता है इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। मुझे कई बार इसको शॉट लेने पड़ेंगे तब जाके मरेगा। कहाँ छुपा है? बाहर निकल बिल्ले, तेरी मौत तुझे यहाँ पर बुला के लेके आई है। ओए मेरी मौत लेकर आए ना, तो बेटा तू भी पिटेगा देखियो जॉन। आज तेरा मैं खात्मा करके रहूंगा और साथ में किंग पिन का भी। किंग पिन को तो तू कभी हाथ भी नहीं लगा सकता। बॉस जाइए अब यहाँ से, बॉस जाइए, मैं इसको संभालता हूँ। ओए तू संभालेगा?
अब तो ये ले, अबे और ले, यहाँ पे तेरा मैंने सूट फोड़ दिया। ओए फाइनली इस जॉन को तो मैंने खून में नहला डाला है और इसकी पैंट बच गई। किंग पिन को कोई नहीं रोक सकता है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता कभी भी। ओए ये मोटा तो भाग गया, अब इस मोटे की भी मुझे पैंट बजानी है। ये कब तक भागेगा? ओए मुझे बढ़िया सी गाड़ी चाहिए होगी। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी है। वो मोटर टैंक लेके भाग गया, लेकिन उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये गाड़ी ठीक लग रही है मुझे उसको चेस करने में, लेकिन उसके पास भी टैंक है। लेकिन आज ये किसी भी चीज़ से बच जाए लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज इसको तो कोई नहीं बचा सकता है। ओए अबे कहाँ बच के जाएगा, आज तो इसकी मौत इसके पीछे लगी पड़ी है। ओए भाग रहा, वो देखो टैंक लेके भाग रहा, रोड की बैंड बजा के जा रहा है। ओए अबे हट जाओ मेरे आगे से, इसके टैंक को टक्कर मारूंगा। मेरे टैंक को कोई नहीं रोक सकता है और मैं हूँ किंग पिन। ओए इसके ट्रंक में टैंक में टक्कर मार के गिरा दूंगा। ओए ये टक्कर लगाई, अरे टक्कर तो लग रही है लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे बाप रे ये क्या, मेरी गाड़ी पूरी खत्म हो गई। ओ नो ये टैंक तो कुछ ज्यादा मजबूत है। ओए बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकला ये टैंक तो, लेकिन जो भी हो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओए बिल्ली अपनी जान बचाना चाहता तो यहाँ से निकल ले, नहीं तो जैसे तेरे भाई को मैंने मरवाया ना वैसे तू भी मरेगा। ओए पहले तेरे को बता दूं कि मुन्ना भी जिंदा है। अबे क्या बात कर रहा है। हाँ हाँ मुन्ना जिंदा है, और दूसरी बात ओए मैं नहीं तू मरेगा। मुझे भी कुछ बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, ये कार से रुक नहीं रहा तो ये ट्रक मिल गया मुझे। ओए इस ट्रक से पक्का मैं इसे रोक सकता हूँ। वैसे टैंक तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है गाइस, फटाफट से मैं इस गाड़ी से चलता हूँ यहाँ पे। ओए ट्रक वर्सेस टैंक होगा अब तो, देखते हैं ये ट्रक रोक पाएगा कि नहीं उसके नुमड़े का टैंक को। ओए छोड़ूंगा नहीं मैं उसे कैसे भी हाल में, उसकी तो मैं बैंड बजा के रहूँगा। ओए देखते कहाँ गए ये, आ ओए कितना आगे निकल गया, अब तो बैठा गया। अब मुझे पता है इसको कैसे उड़ाना है। मैं चाहता था पहले इसे टैंक से बाहर निकाल के मारूं, लेकिन ये मान नहीं रहा इसे। ओए रोक ले गड्ढे दो अपने, अगर तू जिंदा चाहता तो मैं तुझे सोचने की मतलब की जीने की सोच भी सकता हूँ। अबे क्या बोल रहा है, किंग पिन सबको जिंदगी देता है और मौत भी, तो मुझे मौत देगा? पहले अपनी जिंदगी तो बचा ले। ओए अगर तू गाड़ी से बाहर निकल गया तो मैं सोचूंगा भी तुझे छोड़ने की, अगर तू गाड़ी से बाहर नहीं निकला तो मैं तेरे को टैंक समेत फोड़ दूंगा। ओए मुझे गुस्सा आ रहा बहुत तेज के। अबे हटा ये ट्रक अपना चूस दे। अरे ये ऐसे गाइस मानेगा नहीं लग रहा है, अब तो मुझे इसकी अच्छे से खातिरदारी करनी पड़ेगी। इसने तो मेरे ट्रक को भी पलट दिया। ओए आखिर का किंग पे, ये ले इसको फिर से रोकने की कोशिश करता हूँ। ओए इसे खाई में मैंने गिरा दिया ना एक बार तो काम मेरा बन जाएगा, लेकिन ये ऐसे मान नहीं रहा है, तो अब मुझे इसके ऊपर बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब लगाने पड़ेंगे। ओए एक नहीं बहुत सारे बॉम्ब लगाऊंगा, जैसे मुन्ना की गाड़ी पे बॉम्ब लगाया था ना, सेम टू सेम वैसे तेरे टैंक पर लगा दूंगा। अबे इतने बॉम्ब से मेरा टैंक को कुछ नहीं होगा। ओए ये तो मुझे भी पता है, लेस्टर ने मुझे पूरी डिटेल बता दिया है कि ये टैंक कहाँ से वीक है, और मैंने भी पता कर लिया था। अबे क्या बात कर रहा है तू, ओए तुझे क्या लगता है मैं फुल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ टैंक के कौन सी जगह पे स्टिकी बॉम्ब लगाने से ये टैंक की बैंड बह सकती है। ओए आगे निकल रहा है गाइस, मुझे और बॉम्ब लगाने पड़ेंगे इसके टैंक को फोड़ने के लिए। सही जगह एक बार बॉम्ब फिट मतलब फिट हो गया ना, उसके बाद इसकी तो बैंड बजा के रहूँगा। और ये ट्रक नहीं मुझे अब गाड़ी चाहिए होगी, ये काफ़ी आगे निकल जा रहा, थोड़ा ट्रक स्लो हो रहा है मेरे लिए। इस गाड़ी से मैं बॉम्ब भी लगा पाऊँगा सही से, फटाफट से यहाँ से चलते हैं। ओए बचेगा नहीं मेरे हाथों से, कहाँ बच के जाएगा बेटे, आज तो तू जाएगा किंग पिन। तूने मुन्ना की गाड़ी में बॉम्ब लगाया ना, आज तो देख तेरे को उसी स्टाइल में मारूंगा जैसे मुन्ना को मारने की कोशिश की थी इसने। ओए आ गया मैं, ये ले यहाँ पे बॉम्ब लगाऊंगा। ओए बॉम्ब ही बॉम्ब बिछा डालूंगा इसके टैंक पे, इतने बॉम्ब लगाऊंगा, इतने बॉम्ब लगाऊंगा, इतने बॉम्ब लगाऊंगा कि किसी ने सोची ना होगी।
ओ ये ले, इसके टैंक पे बम ही बम भर दूंगा। इतने बम होंगे ना कि इसका पूरा टैंक का सर्किट फट जाएगा, फिर ये इसका टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ओए बॉम गाइस, देखो ध्यान से देखो, बॉम अब्सॉर्ब कर रहा है ये टैंक, मतलब कि ये टैंक बॉम को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। लेकिन कब तक? अगर ये ज़्यादा बॉम को अब्सॉर्ब करते रहेगा अपने अंदर तो एक टाइम बाद ये टैंक भी फट सकता है। ओए बस यही प्लानिंग मैं कर रहा हूँ इस बॉम को फोड़ने के लिए, मतलब कि टैंक को फोड़ने के लिए। अबे पागल हो गया क्या बिल्ले, क्या कर रहा है? हट जा यहाँ से, मुझे छोड़ दे अकेले। ओए तुझे मैं अकेले छोड़ूंगा? तुझे पता कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज तो तेरा मैं खात्मा करके रहूंगा। अबे हट जा, मेरे को जाने दे। ओए तुझे तो मैं जाने दूंगा, मैं तुझे पकड़ कौन सा रहा हूँ? तू अपना गड्डी चला मस्त तरीके से। अबे मेरे पीछे से हट जाओ। ओए आई अले हट गया मैं। ओए यहाँ पे नॉन स्टॉप बम बारी हो गई है, और गाइज इसका टैंक की तो बैंड बज गई, और साथ में किंग पेन का भी बैंड बज गया, और बम लगाऊंगा ये ले। अरे बाप रे, ये क्या मेरी गाड़ी में भी आग लग गई। फाइनली जो मुन्ना को हाथ लगाएगा ना तो उसके साथ में यही करूंगा। ओए ये ले, अबे ये कौन मुझे मार रहा है? अबे चिरकुट कह के मुझे गोली मारता है। अबे तुझे मरना है क्या? ये ले तुम भी बम ले, चल निकल यहाँ से। आखिरकार मेरा बदला हो चुका है पूरा, और यहाँ पे फटाफट से आप लोगों को पता है ना क्या करना है, मुन्ना को हमें जिंदा करना पड़ेगा। तो उसका वीडियो को लाइक करो चले से, और लिख दो फटाफट से सेव होगी या लाइफ होगी, फटाफट से कमेंट में लिखो ताकि मुन्ना पूरी तरीके से ठीक हो सके। और दोस्तों चले से वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो चले से। और ये देखो मैंने इसकी क्या बना डाला, और ये देखो यहाँ पे किंग पिन का क्या बन गया। ओए मज़े आ गया, आखिरकार मेरा रिवेंज होता है कंप्लीट। ओए मुझसे जो टकराएगा चोर चोर हो जाएगा।